तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पार्ट नंबर 33 में। किसमें? 33 में TGT साइंस और PGT बायोलॉजी के सेगमेंट में। हम यहाँ पे 2011 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं PGT बायोलॉजी का। तो अगर आप किसी भी स्टेट में हो इंडिया के, अगर आप TGT साइंस PGT बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। चैनल को लाइक नहीं किया तो कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इन क्वेश्चंस का PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तैयारी अच्छे से करें, दिल लगा के करें। जो है कभी भी भर्तियाँ आ सकती हैं, आप अपनी तैयारी पूरी रखें। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं कई पार्ट बना चुका हूँ, 33 पार्ट बना चुका हूँ। वीडियो में नीचे लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एलर्जी फॉर कॉमन एलर्जिन इज ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ। सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अधिक सक्रियता से उत्पन्न होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IgE। किसके कारण? ऑप्शन नंबर सी, IgE की अधिक सक्रियता के कारण, हाइपर सिक्रेशन से, ज़्यादा सिक्रेशन से क्या होता है, हमेशा एलर्जी की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? एलर्जी की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। IgE का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन ई। क्या? इम्यूनोग्लोबिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पी एंड क्यू आर जीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील्स रिस्पेक्टिवली, विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर हार्डी वीनबर्ग लॉ। यानी पी और क्यू दो जो है डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट और रेसेसिव जीन है, इनमें से हार्डी वीनबर्ग रूल्स के लिए कौन सा ट्रू है? तो हार्डी वीनबर्ग रूल ये कहता है कि अगर पी प्लस क्यू यानी डोमिनेंट और रेसेसिव को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल सीथ इन स्पर्म इज प्रेजेंट इन। शुक्राणु में, स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रियल सीथ होती है वो कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिडिल पीस में। जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म आपको पता है कि स्पर्म 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है। सबसे अपर सेगमेंट उसको हम हेड बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट जो होता है उसे टेल कहा जाता है, और बीच में जो होता है उसे मिडिल पीस कहा जाता है। तो इसी मिडिल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल सीथ होती है स्पर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इन ह्यूमन मानव में हाउ मेनी ओवा आर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्राइमरी ओसाइट। यानी मानव में प्राथमिक ओसाइट से कितने ओवा, कितने अंडाणु उत्सर्जित होते हैं? आपका करेक्ट आंसर है 1। कितने ओवा से जो है प्राइमरी ओसाइट से सिर्फ एक ही ओवा रिलीज होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड। सिस्टोसोमा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्लड फ्लूक। क्या? ब्लड फ्लूक के नाम से सिस्टोसोमा को जाना जाता है, रक्त फ्लूक या ब्लड फ्लूक। ठीक है, देखिए सिस्टोसोमा को सामान्यतः ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। ये मनुष्य में सिस्टोसोमाइसिस, जो ब्लड फ्लूक होता है ह्यूमन में, सिस्टोसोमाइसिस नामक एक डिजीज़ है, एक इन्फेक्शन है, उसको प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लॉसिना पेल्पिल्स इज ए वेक्टर ऑफ। जो ग्लॉसिना पेल्पिल्स होता है वो किसका वेक्टर है, किसका वाहक है, इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लीपिंग सिकनेस। कौन सा? स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? ग्लॉसिना पेल्पिल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। इनमें से कौन सा एमिनो अम्ल सल्फर युक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? मिथोइनिन। कौन सा? मिथोइनिन एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें क्या होता है, सल्फर होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रिगर फॉर इवोल्यूशन इन ह्यूमन फीमेल इज। मानव मादा में इवोल्यूशन यानी अंडोत्सर्ग के लिए किसका यूज करना चाहिए? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यूटिलाइजिंग हार्मोन, यानी LH जो है उसकी क्वांटिटी को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। राइज इन LH, यूटिलाइजिंग हार्मोन की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक टेडा वल्गेरिस क्या है?
तो पिंक टेडा वल्गेरिस एक पर्ल ओसाइटर है क्या, जिससे हमें मोती, जो समुद्र में जो मोती मिलते हैं, जो मोती मिलते हैं वो इसी से, पिंक टेडा वल्गेरिस से मिलते हैं, जो क्या होता है एक पर्ल ओसाइटर होता है जिससे हमें मोती प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रॉक बी मधुमक्खी, चट्टान वाली मधुमक्खी इनमें से क्या है, कौन सी है, तो है ऑप्शन नंबर सी एपिडिस एपिस डॉर्सेला, क्या, और एपिस डॉर्सेला को क्या बोलते हैं, रॉक बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टसर सिल्क इज ऑप्टेंड फ्रॉम, जो टसर सिल्क है, जो रेशम है, वो इनमें से किस स्पीसी से, किस जाति से प्राप्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी एंथीरिया पेफिया, क्या, एंथीरिया पेफिया से टसर सिल्क ऑप्टेन किया जाता है, ठीक है, किससे, टेसीरिया एंथीरिया पेफिया से क्या ऑप्टेन किया जाता है, टसर सिल्क ऑप्टेन किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। टसर जो है, टसर सिल्क एक एंथीरिया से प्राप्त किया जाता है, ये जो चीन जापान और भारत श्रीलंका आदि में पाया जाता है, ठीक है। इसके जो कैटरपिलर होते हैं, जो लार्वा होता है, वो बेर की पत्तियों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोमेटस आर्जेंटिकस इज कॉमनली कॉल्ड, स्टोमेटस आर्जेंटिकस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इंडिया पोम्फर्ट, क्या, इंडियन पोम्फर्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइटोफिलस ओराइजा इज कॉमनली कॉल्ड, साइटोफिलस ओराइजा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जितनी भी ओराइजा ग्रुप के नाम होते हैं वो हमेशा चावल से संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल के बीट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एल्गी ऑफ मैमल्स, ए एल्गी नहीं एज ऑफ मैमल्स, इसे किसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी को, किसो, सिनोजोइक एरा को, सिनोजोइक महाकल्प को स्तनधारियों को यानी कि मैमल्स का युग कहा जाता है, इस एरा में, सिनोजोइक एरा में मैमल्स सबसे ज़्यादा डेवलप हुए, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम हु एक्सपेरिमेंटली प्रपोज्ड दैट लाइफ कुड अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहली बार ये किसने बोला कि जो लाइफ है वो पहले से उपस्थित जीवों से या जीवन से उत्पन्न हुई है, आपका आंसर है एफ रेडी ने, किसने, एफ रेडी ने सबसे पहले ऐसे बताया था कि जो न्यू लाइफ होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोजेनेटिक लॉ वॉज प्रपोज बाई, जो बायोजेनेटिक लॉ है वो किसने दिया था, तो बायोजेनेटिक लॉ दिया था किसने, ई हैकल ने, किसने, हैकल ने बायोजेनेटिक लॉ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रेड्यूला क्या है, व्हाट इज रेड्यूला, देखिए रेड्यूला क्या होता है, तो रेड्यूला एक क्या है, रेड्यूला एक डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, किसका, रेड्यूला एक डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, एक डाइजेस्टिव अंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैड्रो पोर्ट्रेट इज एसोसिएटेड विद, मैड्री पोर्ट्रेट किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है ऑप्शन नंबर सी वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, यानी स्टारफिश का जो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैड्री पोर्ट्रेट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी इन, यानी ग्रीन ग्लैंड्स किसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रॉन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो प्रॉन में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कौन होता है, ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, जबकि प्लेंटी हेलिमेंथीज में फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं, एसके हेलिमेंथीज में रेनेट सेल्स होती हैं, ठीक है, एनिलिडा में नेफ्रिडिया द्वारा एक्सक्रीशन होता है, तो एंड सो ऑन करके। यह आपको याद रखना है कि केंचुए में क्लोरेगोन द्वारा एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेस आर कॉल्ड, स्पॉन्जेस में जो फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, कोनोसाइट्स, क्या बोलते हैं, कोनोसाइट्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज इस सोंगिविर, इनमें से कौन सा
एक संगीवोर है, यानी रक्त चूसक है जो ब्लड को चूसता है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए हिरुडुनिया। हिरुडुनेरिया को ब्लड सकिंग एक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, सिल्वर लाइन सिस्टम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम से। किससे? पैरामीशियम से जो है सिल्वर लाइन संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन्यूला लार्वा अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ पेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला जो लार्वा होता है वो किससे संबंधित होता है? तो वो है ओबिलिया से। किससे? ऑप्शन नंबर बी ओबिलिया से संबंधित होता है पेन्यूला लार्वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं इथोलॉजी। क्या बोलते हैं? इथोलॉजी बोलते हैं। आपको याद रखना है इथोलॉजी। क्या बोलते हैं? इथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीएंडीलाइलेशन इन्वॉल्व्स, पॉलीएंडीलाइलेशन में क्या होता है? इसमें होता है क्या? ऑप्शन नंबर डी एडिशन ऑफ पॉलीएंडीलाइलेशन ए टू थ्री, यानी टेल से लेके ए से लेके एंड की ओर होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, गुणसूत्रों का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी इडियोग्राम। क्या बोलते हैं? इडियोग्राम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, की सेट क्रोमोसोम इन ह्यूमंस जीनोम्स आर, सेट क्रोमोसोम मानव जीनोम में होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 13, 14, 15, 21, 22। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, कि मोंटेजिनियर एंड गैलो वर क्रेडिट फॉर आइसोलेटिंग, मोंटेजिनियर एंड गैलो क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर ए एड्स और वायरस, एड्स वायरस का जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले मोंटेजिनियर और गैलो ने ही किया था। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं आप, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।